जम्मू में 6 साल कहीं भी कुछ काम नहीं हुआ है। अगर फैक्ट्रियां हो तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ जॉब होगा, जो कि जनता यहाँ पर रह करके 10,000 यहाँ पर मजदूरी होगा। अगर साधन हो तो हर घर से IAS अफसर बनेगा, हर घर से पॉलिटिकल बनेगा, हर घर से डॉक्टर बनेगा। प्यासा को पानी, भूखा को खाना खिलाना, यही मेरा मकसद है। सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबको देखे बारी बारी, एक बारी जम्मू की बारी, एक बार आप पप्पू यादव को मजबूत कीजिए कि इस बार सिर्फ कैंची ही चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त मैं जमुई विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और जमुई में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां NDA के उम्मीदवार हैं श्रेयसी सिंह, बिहार महागठबंधन से राजद उम्मीदवार हैं विजय प्रकाश यादव जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, तो तीसरी तरफ पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद शमशाद आलम। आज इनके लिए जमुई स्टेडियम में पप्पू यादव खुद आए थे एक सभा को संबोधित करने के लिए, अच्छी भीड़ भी जुटी थी। शमशाद आलम जी हमारे साथ हैं, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, भ्रमण भी कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल इसलिए अच्छा है कि पप्पू यादव के प्रति सभी को मान सम्मान है, सभी का युवा का सोच है कि इनको बिहार में लाया जाए। आज जम्मू में भी हम शमशाद आलम को लाएंगे क्योंकि शमशाद आलम गरीबों के हित के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और सबके साथ काम करते हैं, इसके लिए हमको पूरी जनता समर्थन दे रही है। पप्पू यादव अपने आप को सेवक कहते हैं, आप सेवक हैं जम्मू के? एकदम, मैं उन्हीं के पर चल रहा हूँ, जो वो करते मैं वही करता हूँ। सुबह निकलता हूँ, 12 बजे आता हूँ, फिर अगर किसी का फ़ोन आ जाता है मैं उस टाइम में निकल जाता हूँ। आपका भी किसी टाइम फ़ोन आया बहुत बार रात में, मैं उसको भी पिक किया। मेरा सभा हम नहीं करते हैं, हमारे सेवक का काम सभा नहीं होता, घर घर जाने का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी घर घर जाते हैं, शमशाद आलम भी घर घर जाते हैं, घर जाके माँ बहन से पूछते हैं और देखते हैं कि क्या विकास हुआ। उनसे बोलते हैं कि कोई नेता आया था, बोले बापू हम तो बूढ़ी हो गए, कोई नेता मेरे घर तक आया नहीं, और न किसी नेता को देखे। जो सभा करता 3-4 एजेंट को रखता है, वहीं से करके चले जाते। हम सब कभी किसी नेता को नहीं पहचाने। और अब बाबू आपको शमशाद आलम आपको जानते हैं कि आप कोरोना काल में 35 से 40 हज़ार राशन और गरीब को देने का जो काम किए, पैसा देने का काम किए, इसलिए आपका नाम सुनने को मिला है। इसलिए हम पप्पू यादव को देखते हुए जम्मू में परिवर्तन लाएंगे और शमशाद आलम को जिताएंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? मुद्दे क्या हैं आपके सामने जो जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, जमुई में मुद्दा ही मुद्दा है। जम्मू में 6 साल कहीं भी कुछ काम नहीं हुआ है। कोई भी बता दे 6 साल में एक भी काम बता दे। हॉस्पिटल का बेड एक्सटेंशन नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में कहीं भी बढ़िया डॉक्टर नहीं आए। जम्मू के अंदर एक शिक्षा एक स्कूल नहीं बनाया गया जो बढ़िया हो प्राइवेट। यहाँ पर कोई भी एक फैक्ट्री नहीं लगाया गया है। फैक्ट्री अगर यहाँ लगता जो प्लान मजदूर करते जम्मू में, क्यों? अगर फैक्ट्री यहाँ हो तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ जॉब होगा, जो कि जनता यहाँ पर रह करके 10,000 यहाँ पर मजदूरी होगा। वहाँ पर जो दुकान लगाएंगे उसका मजदूरी बढ़ेगा, मगर यहाँ पर नेता कुछ करते नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि नेता के पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नॉमिनेशन में शो किया। शमशाद के पास, उनके पिताजी के पास, शमशाद के पास ने मात्र 2 बीघा जमीन है, मगर उस पैसा जो 1 करोड़, 2 करोड़ दिखाए कोरोना काल में, क्या उस पैसा में कीड़ा लग गया था जो जनता को, गरीब जम्मू की जनता मरती रही कोरोना काल में, उसको जो साइकिल न मिला, लंगे पर चले, अगर उस पैसा को जनता के पास देता तो जनता उसको दुआ भी देती और वोट भी देता, मगर वो नहीं दिए। अभी चुनाव में घूर रहे हैं, इसलिए जनता जान रही है कि ये सबको मौका दिए, एक बार पप्पू यादव को देंगे और पप्पू यादव के प्रति सभी को मान सम्मान है। इसलिए हमको पूरा भरोसा है जम्मू की जनता से कि इस बार सिर्फ कैंची ही चलेगा। जो मेरा सिंबल कैंची छाप 7 नंबर में आने वाला 28 तारीख को एक एक घर से सारे लोग जाके कैंची वोट को देंगे। और मैं आपके चैनल से बोलता हूँ, 6 महीने के अंदर जम्मू एक विकास के नाम से जाना जाएगा, जम्मू में एक फैक्ट्री जाना जाएगा। मेरी यही हो, किसान अति पिछड़ा जितने लोग हो, दलित महादलित मेरा होगा, सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। अगर एक भी मजदूर को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, शमशाद आलम वो है कि अपनी गर्दन कटा देंगे जम्मू की जनता के लिए, उसकी आवाज़ बंद नहीं होने देंगे, उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे। मतलब मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्षेत्र के लिए? वो तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वो खाली बता दे कि जम्मू में क्या काम हुआ है। एक चीज़ भी बता दे, जम्मू के अंदर PG का एजुकेशन हुआ है क्या?
नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर जो ट्रैफिक लगता है यहाँ पर क्या ओवरब्रिज नहीं बन सकता? क्या जम्मू इतना खराब चीज़ है? जम्मू के अंदर इतना अच्छा एजुकेशन है, जिसके पास पैसा भी नहीं है मजदूरी करके अपने बेटा को पढ़ाता है, अगर साधन हो तो हर घर से आईएएस अफसर बनेगा, हर घर से पॉलिटिकल बनेगा, हर घर से डॉक्टर बनेगा, मगर यहाँ बनने नहीं दिया जाता। यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक मंत्री का बेटा है, एक मंत्री का भाई है, एक स्वर्ग दिग्विजय सिंह की बेटी है, सब अरबों खरबों की पूंजीपति है, मगर मैं एक गरीब का बेटा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दिल है, मेरे पास इरादा है, मैं सेवक के नाम पे जाना जाऊँगा, विकास के लिए काम करने के लिए मैं काम करूँगा और इस काम में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। गरीब की बात विधानसभा में उठाएंगे और जितना आज तो मेरे पप्पू यादव तो घोषणा कर दिए, जम्मू के अंदर जो भी हमारा टेंडर मिलेगा सबसे ज़्यादा हम जम्मू में खर्चा करेंगे। और जो हमारे शमशाद आलम है, वो शमशाद आलम ने वो पप्पू यादव है, वो आदिवासी है, वो मतलब सारे समाज को लेकर चलने का काम करें, वही मेरा इरादा है। मैं यही चीज़ करता हूँ, आने वाला हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ आपके चैनल से कि जम्मू की विधानसभा सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबको देखे बारी बारी, एक बारी जम्मू की बारी, एक बार आप पप्पू यादव को मजबूत कीजिए, जम्मू में विकास कीजिए के लिए मैं हर तरह से काम करूँगा। और कैंची मेरा 28 तारीख कैंची छाप है 7 नंबर में, एक बार अपनी हर घर से एक एक वोट करके कैंची छाप को दीजिए, 6 महीने के अंदर जम्मू में विकास करूँगा। और जम्मू में जो जिस तरह से विकास ठप है, उस विकास के लिए मैं हर तरह से काम करूंगा। जम्मू एक विकास के नाम से जाना जाएगा, जो कि सदियों साल से कुछ जम्मू में विकास नहीं किया गया है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपके सामने एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी से, महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी है, किससे लड़ाई है आपका? मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। क्या वो सब काम किए गरीब का? गरीब का काम किए? बरहट के अंतर्गत चलनी द्वार है, वहाँ पर 25 साल से आदिवासी लोग, क्या आदिवासी वोट नहीं देते हैं? उनको पानी नहीं दिया गया। मैं गया था वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, मैं वहाँ देखा निराश थी हमारी माँ बहन सभी लोग, वो जंगल साथी थी, लकड़ी कर करके वहाँ उसको पानी नहीं मिलता था। वो हमको बोली रो करके कि भैया जी मैं आपको वोट दूंगा, जीत का आइएगा तो आप चापा कल दीजिएगा। मैं बोला जीत हार एक अलग चीज़ है, मगर मेरा एक ही चीज़ मजहब बताता है, प्यासा को पानी, भूखा को खाना खिलाना, यही मेरा मकसद है। मैं एक दिन के अंदर चापाकल दिया और सभी को अपने हाथ से चापाकल से सभी को पानी पिलाने का काम किया और यही चीज़ मैं किया। तो क्या बड़ी पार्टी क्या चीज़, उसको नहीं देखा जाता था? वो कुछ नहीं करती है, वो जातिवाद देखती है, वो धर्म फैलाती है, मगर मैं शमशाद आलम हूँ, मेरा मान सम्मान सबको साथ लेके चलने का काम करूँगा। हमारे साथ हिंदू भाई भी है, हमारे साथ सारे लोग हैं, इसलिए कोई बड़ी पार्टी नहीं है। इस बार जम्मू में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव कैंची ही चलेगा, जो 7 नंबर पर कैंची है, कैंची छाप चलेगा। और जम्मू के अंदर 10 तारीख को बहुत अच्छा वोट आएगा और जम्मू में एक इतिहास विकास का रोल बनेगा, उसमें शमशाद आलम काम करेंगे। साफ तौर से मोहम्मद शमशाद आलम जमुई विधानसभा जीतकर पप्पू यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज जमुई।